बच्चों नमस्कार। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से प्रायोगिक प्राणी शास्त्र के अंतर्गत हम प्रादर्शों का अध्ययन कर रहे थे। इसी श्रृंखला में आज हम प्लेटी हेलमेंथिस संघ के कुछ प्रादर्शों का अध्ययन करेंगे। मैं प्रेम सिंह चौहान से आज आपके समक्ष इसका विवेचन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो, प्लेटी हेलमेंथिस एक ग्रीक वर्ड है। प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट, हेलमेंथिस मीन्स होता है वॉल यानी क्रमी, चपटे क्रमी प्लेटी हेलमेंथिस के अंतर्गत आते हैं। प्लेटी हेलमेंथिस में आने वाले सभी जंतु परजीवी होते हैं। इन्हीं परजीवियों में प्लेटी हेलमेंथिस की तीन क्लासेस टर्बलेरिया, ट्रीमेटोडा और सेस्टोडा कहलाती है। टर्बलेरिया के अंतर्गत प्लेनेरिया आता है प्रारूपिक जीनस के रूप में। ट्रीमेटोडा के अंतर्गत फैसियोला हेपेटिका आता है और सेस्टोडा के अंतर्गत फीता क्रमी आता है। लेकिन आज हम ट्रीमेटोडा क्लास के प्रारूपिक जीनस फैसियोला हेपेटिका के प्रादर्श का अध्ययन करेंगे। फैसियोला हेपेटिका का यदि हम क्लासिफिकेशन देखें तो फाइलम इसमें प्लेटी हेलमेंथिस है। क्लास ट्रीमेटोडा, ऑर्डर डाइजीनिया, फैमिली फैसियोलिडी और जीनस फैसियोला हेपेटिका या सिप लिवर फ्लू किसे कहा जाता है। क्लासिफिकेशन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है प्रादर्शों के अध्ययन के लिए। इसलिए वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की इस रूपरेखा को एक बार पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ। फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस, क्लास ट्रीमेटोडा, ऑर्डर डाइजीनिया, फैमिली फैसियोलिडी और जीनस फैसियोला हेपेटिका जिसे सिप लिवर फ्लू कहा जाता है। सिप लिवर फ्लू का डायग्राम यदि आप देखें तो इस प्रकार का ये एक जंतु होता है। चूँकि ये लीवर में रहता है इसलिए इसको लीवर फ्लू कहा जाता है। इसके एंटीरियर एंड पर माउथ पाया जाता है और उस माउथ के चारों ओर शक्कर उपस्थित होता है। तो ये वाली संरचना ब्लैक डॉट के स्पॉट पर दिख रही है। ऊपर ये माउथ है और उसके साथ माउथ को घेरे हुए एसीटैबुलम है, MOUTH है ये माउथ, और फिर ये शक्कर है, इस शक्कर का नाम है एसीटैबुलम नहीं है, ये ओरल शक्कर है, ये ओरल शक्कर है। थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में यह ORA ओरल शक्कर है। एसीटैबुलम ये पीछे वाला है, ये एसीटैबुलम है। और एसीटैबुलम और इस ओरल शक्कर के बीच में अपर्चर पाया जाता है, ये अपर्चर गोनोपोर कहलाता है। एसीटैबुलम वेंट्रल सरफेस पे पाया जाने वाला मोटा शक्कर है जिसके माध्यम से यह पित्त वाहिनियों में चिपकता है। ठीक है भाई, थोड़ा सा मैं जोश के चक्कर में उधर बोल गया, उस पर आप ध्यान नहीं दें। एंटीरियर एंड पर इसका माउथ है, उसके चारों ओर ओरल शक्कर है, ओरल शक्कर के पीछे की ओर इसका गोनोपोर है और गोनोपोर के पीछे की ओर एसीटैबुलम पाई जाती है और पीछे की सतह पर इसमें एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है। यदि हम इसके हैबिट और हैबिटाट की बात करें फैसियोला हेपेटिका के, तो फैसियोला हेपेटिका को हम सिप लिवर फ्लू कहते हैं। भेड़ों का यकृत कमी, इसलिए ये जो भेड़ें होती है सिप्स के अलावा सांड, घोड़ा, कुत्ता, हाथी, मनुष्य, बंदर और हिरण तथा कंगारू की पित्त वाहिनियों में, यकृत और यकृत की पित्त वाहिनियों में यह पाया जाता है। वितरण यदि हम इसका देखें, यह व्यापक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में पाया जाता है और भेड़ पालने वाले समस्त क्षेत्रों, ये छात्रों छप गया है, छात्रों नहीं है, एक क्षेत्र है, यह एक क्षेत्र, भेड़ पालने वाले समस्त क्षेत्रों और संयुक्त राज्य अमेरिका और विशेषकर भारत में पाया जाता है। इसे भेड़ का यकृत कृमि कहते हैं क्योंकि यह भेड़ में पाया जाता है। यह पॉलीजीनस पैथोजेनिक है, पैरासाइट है। इसका शरीर डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है, लंबाई 18 से लेकर के 51 मिलीमीटर तक होती है और चौड़ाई 4 से 15 मिलीमीटर तक होती है। इसके अग्र वाले भाग पर एक कॉनिकल प्रक्षेप पाया जाता है, कॉनिकल प्रोजेक्शन पाया जाता है, इसी को एपिकल कोन कहते हैं। और इस एपिकल कोन के सेंटर में माउथ होता है और उस माउथ के चारों ओर यह ओरल शक्कर पाया जाता है। ये इस प्रकार से इसमें
ओरल शक्कर, और ये इसके ऊपर होता है इसका माउथ। ठीक है, माउथ से कुछ पीछे की ओर एक मोटे आकार का चूसक और पाया जाता है। ये मोटे आकार का जो चूसक होता है ये एसी टैबुलम कहलाता है। ये माउथ से पीछे की ओर होता है और इसको कहते हैं ए सी टैबुलम, एसी टैबुलम। ओरल शक्कर और एसीटेबुलम के बीच में अपर्चर पाया जाता है जो गोनोपोर कहलाता है। यह इसका गोनोपोर है जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले अंग आकर के बाहर की ओर खुलते हैं। फैसियोला हेपेटिका में दो शक्कर पाए जाते हैं, एक ओरल शक्कर और एसीटेबुलम। फैसियोला हेपेटिका में छिद्र जो पाए जाते हैं वो छिद्रों की संख्या भी दो होती है। एक गोनोपोर होता है जो ओरल शक्कर और एसीटेबुलम के बीच में पाया जाता है, और दूसरा जो अपर्चर होता है फैसियोला हेपेटिका के वेंट्रल सरफेस पर पीछे की ओर होता है। फैसियोला हेपेटिका में जो एलिमेंट्री केनाल होती है वो मुख में खुलती है और मुख अंदर फेरिंग्स में घुलता है। फेरिंग्स जो होती है इसमें फेरिंग्स जो होती है मस्कुलर होती है। मस्कुलर फेरिंग्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये पित्त वाहिनियों में पित्त और ऊतकों के टुकड़े और ब्लड को अवशोषित करने का कार्य कराती है। ये पीछे ईसोफेगस में खुलती है जो आगे बाइफरकेट होकर के द्विशाखी आंत्र का निर्माण करती है। फैसियोला हेपेटिका का जो जंतु होता है वह उभयलिंगी होता है। उभय का मतलब दोनों और लिंगी मीन्स जनद। जब दोनों ही जनद यानी कि वृषण और अंडा से एक ही जंतु में उपस्थित होते हैं तो ऐसे जंतुओं को उभयलिंगी कहा जाता है। और फैसियोला हेपेटिका का जंतु जो है उभयलिंगी है, जिसके नर जनन छिद्र में, जिसके नर जनन तंत्र में दो वृषण पाए जाते हैं। दोनों वृषण एक दूसरे से आगे पीछे की ओर स्थित होते हैं, इसलिए कहता है कि इसमें दो टेंडम वृषण होते हैं। प्रत्येक जो वृषण होता है वो शुक्र वाहिनी में खुलता है और दोनों शुक्र वाहिनी मिलकर के शुक्राशय का निर्माण करती है। शुक्राशय फिर स्कलन वाहिनी में खुलता है और स्कलन वाहिनी जो है सीरस आवरण के द्वारा सीरस में बंद रहती है। जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें एक अंडा से पाया जाता है, एक ही अंडा से होता है। अंडा से अंडवाहिनी में खुलता है जो गर्भाशय में खुलता है। गर्भाशय में पोषण ग्रंथियां पाई जाती है और ये लॉरस केनाल या लॉरस स्टीडिया केनाल के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। इसके जीवन चक्र जो है अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष जीवन चक्र वह होता है जिसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। फैसियोला हेपेटिका के जीवन वृत्त में अनेक लार्वे पाए जाते हैं जो इसके जीवन चक्र को भेड़ और घोंगे में पूरा करते हैं। फैसियोला हेपेटिका का जीवन चक्र डाइजेनेटिक इसलिए कहलाता है या डाइजीनिया ऑर्डर में यह इसलिए आता है क्योंकि इसका जीवन दो पोषियों में पूर्ण होता है। एक प्राथमिक पोषी हमेशा वर्टिब्रेट होता है जो भेड़ है, और दूसरा द्वितीयक पोषी जो इन्वर्टिब्रेट होता है, और द्वितीयक पोषी इन्वर्टिब्रेट जो है घोंगा होता है। इसके जीवन चक्र में जायगोट फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो जायगोट बनता है उससे निकलने वाले लार्वों को क्रम से हम मीरासीडियम, उसके बाद स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटा सर्केरिया कहा जाता है। मीरासीडियम फ्री लिविंग लार्वा है। स्पोरोसिस्ट लार्वा जो होता है यह घोंगे में बनता है। घोंगे में से स्पोरोसिस्ट से रेडिया बनता है, रेडिया से सर्केरिया बनता है, और सर्केरिया से मेटा सर्केरिया बनता है। मेटा सर्केरिया भी फ्री स्विमिंग लार्वा है। मेटा सर्केरिया से मेरिटा बनते हैं। ये मेरिटा वापस भेड़ के द्वारा संक्रमण, भेड़ को संक्रमित करने के पश्चात उसके यकृत में जाकर व्यस्क परजीवी में परिवर्तित हो जाता है। तो युग्मराज, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया और वयस्क, ये प्रावस्थाएँ एक जो है लिवर फ्लूक है उसके जीवन में पाई जाती है। यकृत क्रमी या फैसियोला हेपेटिका का यदि एनालिसिस कर दिया जाए, रासायनिक विश्लेषण कर दिया जाए, तो रासायनिक विश्लेषण से हमें पता चलता है कि इसके शरीर में ग्लाइकोजन, प्रोटीन और स्मॉल जो है फैट ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं।
एक जो यकृत कृमि है उसमें लगभग 2.4% फैट पाई जाती है, 3.7% ग्लाइकोजन, 11% प्रोटीन और 80-90% तक जल पाया जाता है। फैसुला हेपेटिका के विशेष लक्षणों में फैसुला हेपेटिका के कारण होने वाला जो रोग होता है उसे यकृत विगलन रोग कहते हैं, लिवर रोट। लिवर रोट उत्पन्न हो उससे पहले फैसुला हेपेटिका की उपस्थिति के कारण भेड़ों में रक्तहीनता यानी कि एनीमिया, लाल रुधिर कणिकाओं की कमी यानी कि इओसिनोफीलिया, डायरिया, अतिसार, पेचिस, डिसेंट्री, आमाशय में घाव, पीड़ा, बोतल जा रोग या यकृत विगलन रोग, यह का उत्पन्न होना इसके विशेष लक्षणों में समाहित किया जाता है। फैसुला हेपेटिका की पहचान को सुनिश्चित करें तो तीन जो प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके आधार पर हम इसकी पहचान कर सकते हैं। डोर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी जो कि पत्ती के समान होती है, अग्र सिरे पर एपिकॉन पाया जाता है और उससे थोड़ा पीछे 1/3 पीछे ही एक बड़े आकार का चूसक पाया जाता है जिसे एसिटेबलम कहते हैं। इसके माध्यम से फैसुला हेपेटिका की पहचान की जाती है। आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें।